हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, 7 तारीख से एग्जाम है। जैसे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जानते हैं, आज बीएड एंट्रेंस हो रहा है दो जगहों पे, यूपी में एंड बिहार में, और कल भी एग्जामिनेशन का ही टाइम है। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो हर जगह पे जो है एग्जामिनेशन का फीवर चल रहा है। उसी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसके पहले जो है एक बार ये जरूर देख ले कि कोई नोटिस आया है या नहीं। तो आज वो नोटिस लेकर के मैं आई हूं जो कि आप लोग का एग्जामिनेशन से रिलेटेड आया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग उस नोटिस के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए और उसके बाद आपको पता चले कि अगर आपका सेंटर चेंज हो गया है या फिर किसी तरह के चेंजेस कर दिए गए हैं तो ये अच्छी बात नहीं होगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर दिया गया उस पर आपको मैसेज या कॉल करना है। चलिए बात करते हैं इस इंफॉर्मेशन की। तो ये इंफॉर्मेशन जो आया हुआ है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, है चौधरी चरण सिंह से, सीसीएस से। जैसे आप जानते हो कल से एग्जाम स्टार्ट है सीसीएस का। इसमें एक नोटिस दिया गया है। क्या है नोटिस? नोटिस है आप लोगों का कि एग्जामिनेशन का जो है सेंटर चेंज किया गया है, उसमें थोड़ी बहुत जो है चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को ये लिस्ट मिल जाएगा। एक बार मैं आपको क्लियरली दिखा दूं, आप लोग के कॉलेजेस के नाम यहाँ दिए गए हैं। पहला कॉलेज श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। इनका जो परीक्षा केंद्र है श्री साई महाविद्यालय फतेहपुर दिया गया है। ये आप लोगों का रहेगा, ये था, और अभी जो इसका हुआ है ये है आपका श्री कृष्ण महाविद्यालय, ये हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित परीक्षा केंद्र, पहले वाले परीक्षा केंद्र और अभी यानी कि परिवर्तित परीक्षा केंद्र, यानी कि चेंज वाले परीक्षा केंद्र जो अभी चेंज हुए। तो आप लोगों का श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन का चेंज करके श्री कृष्ण महाविद्यालय बालनी भागपत कर दिया गया है। केंद्र भी दिया गया है 003, इसको सेंट्रल बनाया गया है, सेंटर कोड है। फिर उसके बाद 2 नंबर पे आप अगर देखेंगे तो ये आपका है मूर्ति देवी मेमोरियल कॉलेज। यहाँ पर भी श्री साई महाविद्यालय, इनको पहले अलॉट किया गया था इस कॉलेज को, और अब कर दिया गया है सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज बागपत। तो यहाँ पे भी चेंजेस है। फिर उसके बाद तीसरे में आइए, बागपत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ओनली फॉर गर्ल्स, ये जो है कॉलेज, ये आप लोग का सम्राट पृथ्वीराज पहले दिया गया था, पहले आप लोग का था सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज, लेकिन अब ये चेंज होकर के आपका सेल्फ सेंटर हो गया है, सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। तो ये आप लोगों का अपने ही कॉलेज में जो है एग्जाम होने वाला है। 4 नंबर पर देखिए, प्रहलाद सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज जो ये है उसको चेंज करके किया गया, जो उनका पहले का सेंटर था वो है के जैन डिग्री कॉलेज, और चेंज करके जो है इन लोगों का जो है इसमें थोड़ा सा 4 नंबर वाले को आपको समझना पड़ेगा। प्रहलाद सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज वाले जो स्टूडेंट है, बॉयज का जो है के जैन डिग्री कॉलेज ही रहेगा, बॉयज जो है के जैन डिग्री कॉलेज में जाएंगे, और जो गर्ल्स है उनका सेल्फ सेंटर हो गया, मीन्स उनके उनके कॉलेज में ही एग्जाम होने वाला है। गर्ल्स के लिए जो है वो के जैन नहीं जाना है, उनको अपने प्रहलाद सिंह मेमोरियल कॉलेज में एग्जाम होगा। 5th नंबर देखते हैं, आईपीएस कॉलेज, आईपीएस कॉलेज का है सतगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिया गया था, ठीक है, ये पहले निर्धारित किया गया था, अभी भी बॉयज के लिए वही है, यहाँ पर भी वही चेंजेस है। सतगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है बॉयज स्टूडेंट बॉयज वहीं जाएंगे, एंड गर्ल्स का जो है सेल्फ सेंटर हो गया है, मीन्स उनका एग्जामिनेशन यानी गर्ल्स का एग्जामिनेशन आईपीएस कॉलेज में ही होगा, उनको जो है सतगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नहीं जाना है। तो ये चेंजेस है। फिर उसके बाद 6th नंबर है श्रीमती शारदा देवी ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, ये कॉलेज जो है इनका भी जो है पहले डीपी एंड बीएस डिग्री कॉलेज दिया गया था, उनको भी सेल्फ सेंटर कर दिया गया है, आप लोग के आपके कॉलेज में ही एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो ये सेंटर जो है चेंज हुआ है, और जिसमें यहाँ पे आपको नोट में 1 नंबर में लिखा हुआ है ना कि 4 नंबर का जो है यानी कि प्रहलाद सिंह मेमोरियल कॉलेज जो है बॉयज को जाना है, यहाँ पे जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया है के जैन, एंड गर्ल्स का जो है सेल्फ सेंटर होगा। सेम चीज जो है 2 नंबर यानी कि आपके आईपीएस
कॉलेज के लिए भी है। तो ये चेंजेस हुए हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, और अच्छे से अपने अपने कॉलेजेस का देख लीजिएगा, बॉयज एंड गर्ल्स के अकॉर्डिंग जो है ये चेंजेस किए गए हैं, तो आपको ये अच्छे तरीके से देखना है एंड देन फिर कल आपको एग्जामिनेशन के लिए जाना है। सो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। अगर आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, या जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हो। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।